नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में सरगरा जाति को एक वादा किया था कि मैं जल्द ही इनके गोत्रों का पूरी लिस्ट लेकर आप सबके सामने हाजिर होऊंगा और उन गोत्र के विषय में चर्चा करके मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि सरगरा जाति भी क्षत्रिय राजपूत से ही निकल कर आई है। चाहे आप ये कह लें कि क्षत्रिय राजपूत का जो वंशावली है उसमें सरगरा जाति भी सम्मिलित रही है। तो चलिए, आज बिना देर किए मैं सिर्फ गोत्रों पर चर्चा करूंगा और कौन कौन से गोत्र सरगरा जाति में पाए जाते हैं इस पर भी चर्चा करूंगा। और ये जो गोत्र और नख की वंशावली आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका डाटा बुजुर्गों से, पुरानी पुस्तकों से और वहां के साथ जो राजस्थान में रहने वाले सरगरा जाति हैं या भारत में जिन क्षेत्रों में सरगरा जाति के बुजुर्ग पाए जाते हैं उनका अपना व्यू है और उसी का एक पार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये एक प्रमाण है जिससे आपको पता चलेगा कि सरगरा जाति भी क्षत्रिय राजपूत वंशावली से ही संबंधित है। तो बिना देर किए और एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिएगा ताकि मुझे और ऊर्जा मिले, मैं और अधिक काम आपके लिए कर सकूं। तो सबसे पहले मुझे इनको देखना पड़ेगा क्योंकि इनके नंबर्स काफी ज्यादा हैं, मैं आपसे बात भी करता रहूंगा और उस पर मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो गोत्र का जो मूल गांव है वो पहला जो है वो मारू है, केकेऊ इसको कहा था, राठौड़ इसका नख है। तो अगला है सिमरचा, अगला है लोहिचा, फिर डींग, फिर गौरी, फिर खड़, जहां से गहलोत नख शुरू हो जाता है। अगर आप देखें तो राठौड़ और गहलोत ये दोनों जो गोत्र हैं ये क्षत्रियों के गोत्र में से हैं। तो गहलोत में है खड़, खांटक, खबियाड़ा, जोरोसा, कामड़िया, बोरगनिया, बोलबड़िया, फिर खारोन, फिर निम्बोलिया, फिर हुतराड़िया, यहां तक गहलोत है। फिर उसके बाद अगला नख शुरू होता है चौहान। इस चौहान के नख में जो गोत्र आते हैं वो आते हैं सिंदल, छाजी, डीबिया, कुरचल, माट, भणद्रा, धट, धारा, मोटा, दतिवासा जिसको आनाव भी कहता है, बादरिया, जैतिवास, मकारा। अब यहां से झाला नख शुरू हो जाता है जो क्षत्रियों का गोत्र है झाला, जिसमें मकारा, मकवाड़ा, उसके बाद आपके सोलंकी नख शुरू हो जाते हैं और उसमें गोत्र मूलगाड़ा, उपलाड़ा जिसको उपड़ी भी कहता है, जोगी जो देवगढ़ के हैं वो जोगी, फिर परिवार जिसको पिपलाज भी कहता है, भूरा, मोल, इचरचा, आमेर के लोग, फिर कांग जिसको रुड़कली गांव वाले जिनको चौहान मानता है। अब इसी में जो मोल है वो पवार नख वाले हैं, इचरचा वो पवार नख वाले हैं, भूरा जो है वो परमार नख वाले हैं, पानीवार वो पवार नख वाले हैं, जोगी वो कच्छदार नख वाले हैं, फिर भाटी, भाटी में जोवर, दाड़ा, मैसा, मैसा, जोवल, जोवन, जोरन, फिर उसके बाद सोनीगरा शुरू हो जाता है जहां पे हलियार, रायपुर गांव, पिड़ियार, माड़ी, धवल, धारक, भूणचा। तो जो परिहार नख वाले हैं वो है माड़ी जो परिहार नख के हैं, फिर चमन परिहार नख के, और पिड़ियार में से पिड़ियार ही आते हैं, और फिर खीवसर गांव के जो है वो धारक है, वो देवड़ा नख है उनका, फिर भूणचा वो भी देवड़ा नख है, फिर लोहरिया, फिर माया, फिर औचर, फिर जायल, फिर दूधक, फिर मंड। इतने सारे गोत्र जो हैं ये आपको सरगरा जाति में मिलेगा और यही गोत्र अगर आप मैं क्षत्रियों के राजपूतों के वंशावली को देखूं तो एक मिनट हम देख लेते हैं। बैठिए मां साहब, दो मिनट में आना। ठीक
अब राजपूत में आप देख लीजिए, राजपूत की जो वंशावली है उसमें जो गोत्र है सिसोदिया है, गहलोत है, कछुआ है, तनवर है जिसको तोमर भी कहा जाता है, भाटी है, सावल है, सोम है, शेखावत है, चौहान है, जाडोम है, रानावत है, जमवाल है, मनहास है, गौर है, गौड़ है जिसको, कुंडीर है, छिब है, दहिया है, दायमा है, सिंगर है, बिसेन है, राघव है, सोलंकी है, परमार है, परिहार है, पनवर है, मुदब है, मुंज है, सलेरिया है, पठेनिया है, चंदेला है, बुंदेला है, राठौड़ है और कठोच है। अब आप क्या समझ रहे हैं, ये सारी वंशावली के जो नख हैं वो सगरा जाति में पाए जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है, अगर मैं सही बात बोलूं तो इससे सिद्ध होता है कि ये उनके नख हैं, मतलब उनकी वंशावली इनसे पुरानी है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि राजा सगर से रघुवंश की स्थापना हुई, राजा सगर की वंशावली आगे बढ़ के रघुवंश कही गई, तो उसी प्रकार अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि वो जो गोत्र हैं सरगराओं के, उनके गांव और गोत्र वो पुराने हैं, ये उनके नख ये नए हैं। तो इसी छोटी सी चर्चा के साथ इस जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया इसमें कवि अंकुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है राजस्थान से, और काफी मदद कर रहे हैं मेरा इस वीडियो में। इस वीडियो क्या मतलब इस चैनल पर मुझे काफी मदद मिलती है अंकुर जी से, और मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा और आप सभी से चाहूंगा कि उनका भी चैनल है और उनकी कविताएं आती हैं तो आप सब पढ़ें। और शीघ्र ही मैं आपको कुछ और प्रमाण जो पुस्तकें लिखी गई 150 साल पहले उसे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रमाण आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस आज आपसे विदा रखता हूँ। नमस्कार।